हाय एवरीवन, वेलकम टू सपनास फूड वर्ल्ड। मैं हूँ सपना लोढ़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूरत की स्पेशल रेसिपी यानी सनफ्लावर पराठा। इसे सूरजमुखी पराठा भी कहते हैं और ये पराठा सूरत में बहुत ही पॉपुलर है। वैसे तो हम हमेशा आलू गोभी या पनीर का पराठा बनाते हैं, पर आज हम बनाएंगे एक टेस्टी और यूनिक पराठा। तो आइए रेसिपी के लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पराठे के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए लेंगे 1 कप गेहूं का आटा और 1 कप लेंगे मैदा। आप चाहो तो यहाँ पर सिर्फ मैदा या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। फिर इसमें मिलाएंगे स्वादानुसार नमक और मिलाएंगे 1 टीस्पून तेल और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। तेल को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसका सॉफ्ट ऐसा आटा गूंद कर लेंगे। हमें इस पराठे के लिए थोड़ा सॉफ्ट आटा ही गूंद के ले लेना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं, उसी तरह से हम आटा गूंद के लेंगे। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया आटा गूंद कर तैयार है। तो इसे हम अभी 15 मिनट के लिए ढककर रेस्ट दे देंगे। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक बाउल में लेंगे 1/2 कप फाइन चॉप पत्ता गोभी, 1/2 कप ग्रेटेड गाजर, 1/2 कप ग्रेटेड चुकंदर यानी बीटरूट और 1/2 कप फाइन चॉप की हुई शिमला मिर्च, 1/4 कप लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, 2 टीस्पून लेंगे हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक कट कर ली है और 1 टीस्पून लेंगे अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ। अब इसी में मिलाएंगे 1 क्यूब ग्रेटेड चीज़, यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है, और 150 ग्राम लेंगे पनीर जिसको हम ग्रेट करके ले लेंगे। यहाँ पर हमने आलू यूज़ नहीं किया है, इसके लिए बाइंडिंग के लिए हम पनीर का यूज़ करेंगे। फिर इसी में मिलाएंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर। स्वादानुसार मिलाएंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून तेल और इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो सब्जियाँ हमने यूज़ की हैं उसे हम अच्छे से स्क्वीज करके यानी निचोड़ के ले लेंगे, जिससे स्टफिंग हमारा ज़्यादा गीला ना हो। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। और यहाँ पर हमने चुकंदर यानी बीटरूट यूज़ किया है। आपके पास ये ना हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी ऐसा स्टफिंग तैयार हुआ है। तो लास्ट में इसमें मिलाएंगे हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं, एकदम बढ़िया ऐसा स्टफिंग तैयार है। 15 मिनट के बाद आटा भी अच्छे से सेट होकर तैयार है। तो इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून तेल और इसे अच्छे से मसल कर ले लेंगे। आटे को अच्छे से मसलने के बाद इसके हम एक समान 4 हिस्से कर लेंगे और उसी में से एक हिस्सा हम बेल कर लेंगे। यहाँ पर हम 2 तरीके से पराठे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल पराठा बेल लेते हैं, उसी तरह से इसे हम थोड़ा सा मोटा बेल लेंगे। दोनों तरफ से थोड़ा सा आटा लगाकर इसे हम बेल लेंगे। तो पराठा बेलकर तैयार है। तो अब इसमें हम स्टफिंग को भर देते हैं। हमने जितना पराठे के लिए आटा लिया था उसी साइज़ का हम स्टफिंग का बॉल बनाकर ले लेंगे और इसमें हम रखकर इसे कचौरी जैसे फोल्ड करते हैं उस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो निकाल कर ले लेंगे और पराठे को अच्छे से सील करके ले लेंगे। सील करने के बाद इसे हम हल्के हाथ से दबाकर स्टफिंग को फैला कर ले लेंगे और ऊपर नीचे आटा लगाकर इसका मोटा पराठा बेल कर ले लेंगे। ये पराठा थोड़ा मोटा ही होता है और ये हमें हल्के हाथ से ही बेलना है। बीच में से थोड़ा मोटा रखेंगे और साइड को हम पतला बेल के ले लेंगे। तो यहाँ पर पराठा बेलकर तैयार है।
तो अब हम दूसरे तरीके से इसे बेल लेते हैं। इस पराठे के लिए हम दूसरा पोर्शन लेंगे और इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसकी हम दो रोटियां बेलकर ले लेंगे। ये रोटियां हमें पतली बेल लेनी है, जैसे हम फुलके के लिए रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम इसकी रोटियां बेल लेंगे। और इस तरीके से ये जो पराठा बनता है वो बहुत ही ईजी पराठा बनता है। तो एक रोटी बेलकर तैयार है, हम दूसरी रोटी बेल लेते हैं। तो दोनों रोटियां बेलकर तैयार है। अब इसमें हम स्टफिंग को भर देते हैं। इसके लिए एक चम्मच की मदद से हम इसे भर देंगे और ये स्टफिंग हमें बीच में से ही भरना है। स्टफिंग को अच्छे से प्रेस करने के बाद इसके ऊपर हम दूसरी रोटी को रख देंगे और साइड के जो एजेस हैं उसे हम अच्छे से दबाकर प्रेस कर लेंगे। पराठे को अच्छे से प्रेस करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसे हम हल्के हाथ से थोड़ा सा बेल लेंगे, जिससे कि स्टफिंग अच्छे से फैल जाए और पराठा अच्छे से सील हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया पराठा बन चुका है और वो भी इजी तरीके से। तो इसे हम अभी रोस्ट कर लेते हैं। पराठा सेकने के लिए यहाँ पर मैंने लोहे का तवा यूज़ किया है। इसमें लेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। यहाँ पर हम पराठे को शैलो फ्राई करने वाले हैं। आप चाहो तो सिर्फ रोस्ट भी कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद इस पर हम डालेंगे ये पराठा और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह से ये पराठा शैलो फ्राई करने से बहुत ही क्रिस्पी ऐसा पराठा बनता है। तो एक साइड से पराठा थोड़ा सा पक चुका है तो इसे हम टर्न करके दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेते हैं। हमें इसे दबा दबा कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। तो दोनों साइड से ये पराठा हम अच्छे से सेक लेते हैं। पराठा सेक कर तैयार है। तो अब हम पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे कट कर लेंगे। जैसे हम पिज़्ज़ा कट करते हैं उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। साइड की एजेस को थोड़ा छोड़ते हुए कट कर देंगे। हमें जो साइड की एजेस हैं वो थोड़ा सा छोड़ के कट कर देना है। अब हम एक नाइफ की मदद से जो साइड के एजेस हैं उसे खोल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया स्टफिंग लगकर तैयार है और कलर भी कितना मस्त लग रहा है। और इसमें जो हमने वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं इसकी वजह से ये पराठा टेस्टी के साथ हेल्दी भी बना है। तो यूनिक ऐसा पराठा बनकर तैयार है। अब ऊपर से मिलाएंगे सबका फेवरेट ऐसा चीज़। यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ लिया है, आपको जितना चीज़ पसंद है आप यहाँ पर ले सकते हैं। फिर इसके ऊपर मिलाएंगे थोड़ा सा हरा धनिया और मिलाएंगे थोड़ा सा केचप। तो है ना बहुत ही बढ़िया और यूनिक ऐसा सनफ्लावर पराठा, बिल्कुल सनफ्लावर जैसे दिख रहा है। तो इसे मैंने दही, टोमेटो, केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है और ग्रीन चटनी की लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और ऐसी ही नई नई रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।